सत्या, इस औरत को इस घर से बाहर निकाल दो। भाई, प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें पानी चाहिए था ना माही, मैं दूंगी ना तुम्हें पानी। मैंने कहा था ना एलिना कि मैं तुम्हें सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। सत्या अलीना का होके रहेगा, वो भी आज रात। आज रात को एलिना तुम्हारे सारे प्लान्स को चौपट करने वाली है। आप खुद जाएंगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? माही, माही, तकदीर की सीढ़ी चढ़ो, तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो आदत, पर यहाँ से अंदर सिर्फ वही जा सकता जिसका दिल माही के लिए धड़कता है, यानी सत्या। यहाँ तक तो ठीक है, पर यहाँ के अंदर खाली वही जा सकता है जिसका दिल सत्या के लिए धड़कता हो। मतलब भाई, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? I'm sorry. It's okay. माही लव सत्या, माही लव सत्या। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा सौ दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सवेरे लिए हाँ, बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां
से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिश मेरी बह ना ले। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। माही, 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 इसको उठा के नीचे ले जाओ, इसको इधर ही परे रहने दो। कहा था ना मैंने माही कि सत्या मेरा होकर रहेगा। मेरे हो जाओगे सत्या। सत्या, बात समझने की कोशिश करो। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया है। I really love you, Satya. Please. Please. Satya, listen to me. Satya, तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, okay? वो बेवकूफ माही तुम्हें कुछ नहीं रख सकती है। सत्या, क्या किया उसने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम सिर्फ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे। Just listen. Please. Just come to me. Okay, please. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I'll do anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी सत्या। Just understand. I love you. Listen to me. सत्या, listen. सत्या, please. सत्या, listen to me. सत्या, please. तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? I love you. Damn it. ये भाई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है माही। वो सत्या खुद चल के मेरे पास आया था और उसने अपना गुनाह तुमने खुद कबूल किया है लीना, और अच्छा हुआ कि तुमने अपने मुंह से ही उगल दिया, वरना तुम्हारी सच्चाई मैं कभी जान नहीं पाती। विश्वास नहीं होता कि तुम ये सब कर सकती हो लीना। मुझे तो लगा था कि मैं एक गलत फहमी है ये सब कुछ। ये तुम्हारी गलत फहमी ही तो है माही कि सत्या तुम्हारा है। सत्या तुम्हारा कैसे हो सकता है? सत्या सिर्फ मेरा है।
तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम इसे नहीं प्यार करते। You don't love her, you love me. मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। I know that you love me. Please, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, वो बस बता दो कि you love me, okay? Say it. सबको बोल दो that you love me. Enough. बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अगर इसके बाद एक शब्द भी कहा ना तो जान से मार डालूंगी। निकलो यहां से। बस माही। ये मेरी दोस्त है, इसे इस घर में लेकर मैं आया था, तो इसे इस घर के बाहर भी नहीं निकालूंगा। अपनी तरफ से दोस्ती का फर्ज इसने अदा कर दिया, मेरे सीने में खंजर घोंप गए। अब मेरी बारी। I love you. ऐसा मत करो। You love me too, Satya. Satya, just say it that you love me. Satya, Satya, you love me. Listen to me. You love me, Satya. Admit it. I love you, Satya. और तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो। पता नहीं किसका साया है इस घर पर, कुछ भी सही नहीं हो रहा। पर सत्य, ये सब हुआ कैसे? हम सबके नाक के नीचे किसी को भी नहीं पता चला कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? अक्सर ऐसा होता है आई, कि सच हमारे सामने होता है मगर अपन उसे देख नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते। वही हुआ मेरे साथ। किसी ने बोला मेरे को कि मैंने इस घर में आस्तीन का सांप पाला हुआ है। सत्य, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि तुमने घर में एक आस्तीन का सांप पाला हुआ है। और मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। फिर जब एक के बाद एक इस घर में हादसे होने लगे, फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया। और जब ध्यान दिया तो हर हादसा एलिना की तरफ इशारा कर रहा था। अब बेहोश होने का नाटक करो। बेहोश होने का नाटक करो। आस्तीन का सांप, ये तुमसे किसने कहा सत्या? यहाँ क्या करिए? इन्हें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल। सत्य, तुमने कहा था ना पुलिस को कि यहाँ कभी नहीं आ सकती है। तो पर ये हमारे घर में क्या कर रही है? सत्या, इन्हें बाहर निकालो। इन्हें अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कहो। आप जाइए इस घर से। देखिए, आप चले जाइए वरना ठीक नहीं होगा। सत्या, इन्हें बाहर निकालो यहाँ से। भाई, मेरी बात सुनो। भाई, मेरी बात सुनो। मैं जानता है कि इस वक्त तुम पे क्या बीत रही है। मैं जानता है कि इस औरत को इधर देख के तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं अच्छी तरह जानता है। पर माई, अगर तुम नफरत के चश्मे लगा के इसको देखोगी ना, तो तुम्हें वो औरत दिखाई देगी जिसने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो औरत दिखाई देगी जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती थी। और अगर तुम इसे रहम की नजरों से देखोगे तो तुम्हें वो औरत दिखाई देगी जो तुम्हारी जान बचाना चाहती है, जो तुम्हारे रिश्ते को बचाना चाहती है, जिसने सब कुछ किया ताकि तुम पे कोई आंच ना आए। जरा सोचो माई, अगर सासू मम्मी ने मुझे एलिना के बारे में नहीं बताया होता, एलिना अपना खेल खेल जाती,
और फिर तुम्हारे सामने नजारा आता तो क्या तुम सत्या पे विश्वास कर पाती, अपने पति पे विश्वास कर पाती? नहीं कर पाते, कोई पत्नी नहीं कर पाते। हमारा रिश्ता तबाह हो जाता, सब कुछ खत्म हो जाता, मगर सासू मम्मी के एक सच ने हमारे रिश्ते को तबाह होने से बचा लिया है। मानो मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं रखता, बस रहम की उम्मीद रखता है, बस रहम। रहम सत्या, वो भी इस औरत पर जिसने पूरी जिंदगी मुझे सब दुख दिया। झूठा प्यार, माँ के नाम पर एक कलंक है ये। उन पर रहम करूं मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती सत्या। पछतावा एक ऐसी आग होती है जिसमें काले से काला कोयला भी हीरा बन सकता है। पर ये तो एक औरत है, एक ऐसी औरत जिसे तुमने कभी माँ कहा था। मैं खुद इसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगर इसने एक बार नहीं कई बार तुम्हारी जान बचाने की कोशिश ना की होती, पहले उधर पिकनिक पे, इधर हमें आगाह करके इसने सिर्फ हमारे रिश्ते को नहीं बचाया, तुम्हारी जिंदगी बचाई है। और मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और हमारे रिश्ते से कुछ नहीं, इतना कुछ करने के बदले में इतना तो बनता है। बस सरासर है, हम में और इसमें कुछ तो फर्क है। It's okay, sir. It's okay. मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है कि माही मुझ पे भरोसा कर सके। मैं इस घर में दोबारा घुसने के मकसद से नहीं आई थी, सिर्फ प्रायश्चित करना चाहती थी। It's okay. It's okay. रुक जाइए, अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो रह सकती हैं, लेकिन मुझसे माफी की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि वो मैं आपको कभी दे नहीं पाऊंगी। रो मत माही, मालूम है क्या, तुम्हारे सर पे ना तुम्हारे आई बाबा का आशीर्वाद है, जिसके चलते ये बात इतनी जल्दी सामने आ गई। तुम जानती हो सब कुछ बर्बाद हो सकता था, पर हुआ नहीं। तुम्हारे आई बाबा भी तुम्हारे साथ है और तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। नजर लग गई हो तो निकल जाए। अरे बाबा, कोणाची नजर लगली असेल तर काढून टाक। अरे बाबा, समझ में नहीं आ रहा किसकी नजर लगी है, इस घर को, मेरे सत्या को, माही को। अरे तू क्या कर रही है? चुप। समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों को किसकी नजर लगी है, पर माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि अगर नजर लगी भी होगी ना तो भी कुछ नहीं होगा।
मेरे होते हुए तुम दोनों पे कभी आंच नहीं आएगी। माई कुछ नहीं होगा, माई तुम चिंता मत करना, अब होना है। स्माइल। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं माई, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें अपने रास्ते से हटा कर ही रोकी, हटा कर ही रोकी, हटा।